तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यह वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में आ चुका है। अगर आप 2023 में आवेदन कर चुके हैं तो आपको दोबारा से आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं आवेदन करें हैं तभी आप आवेदन करें दोस्तों, आवेदन कर चुके हैं तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। तो इसलिए अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो आवेदन ना करें, अगर न्यू कैंडिडेट है तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले दोस्तों कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधान परिषद की तरफ से वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सुरक्षा प्रहरी के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। टोटल 56 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई। इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। आप यहां पे देख सकते हैं आगे यहां पे डेट मेंशन किया गया दोस्तों। यहां पे देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और 30 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले दोस्तों आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। आगे हम बताएंगे फॉर्म किस तरह भरना है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा प्रहरी के लिए टोटल यहाँ पे 56 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में बात किया, जनरल आदर्श के लिए 300 रुपया, SC ST फीमेल कैंडिडेट 150 रुपया में आवेदन कर पाएंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन करना होगा दोस्तों। आगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अपनी जानकारी दिया गया दोस्तों। आप यहाँ पे पास पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं यहाँ पे इंटरमीडिएट कम से कम पास होनी चाहिए दोस्तों इसमें आवेदन फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट के बारे में बात की जाती है, यहाँ पे मिनिमम आपका एज 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज करके दिया गया, मैक्सिमम 30 वर्ष तक होनी चाहिए SC ST। यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आगे यहाँ पे सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया, आवेदन फॉर्म के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सिंपली आवेदन फॉर्म भरने के लिए बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे लॉगिन वाले पेज खोल कर रखे हुए हैं। अगर आप इस साइट के माध्यम से पहले किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। डेट मेंशन किया गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह फॉर्म भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट है तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने वैकेंसी का डिटेल शो कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्रेटरी कार्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने पोस्ट का डिटेल ऊपर शो कीजिएगा। कैंडिडेट के नेम यहाँ पे डालना होगा तो सिंपली यहाँ पे फुल नेम डालिए दोस्तों। डॉक्यूमेंट के अनुसार जिस तरह से लिखा हो उसी प्रकार से आपको डालना होगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे फिल कीजिए। नाम फिल करने के बाद उसी को दोबारा लिखना होगा, कन्फर्म कीजिए यानी कि जो लिखे हैं उसे लिखिए। और उसके बाद फादर्स नेम लिखिए, उसके बाद फादर्स नेम को दोबारा कन्फर्म कीजिए, मदर्स नेम लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना होगा, बिहार का निवासी, इतिहास, कैटेगरी आपको बताना होगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। जो भी आपका कैटेगरी है इसमें से नहीं मिलता है तो आप ऊपर वाला यूआर कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी नहीं मिलता है तो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिंपली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कैटेगरी की कितना वैकेंसी निकाली गई है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अनुसार, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा उसका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, इशू डेट, इशू अथॉरिटी डेट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए दोस्तों उस कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल को छोड़ाकर अगर जनरल सेलेक्ट करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नहीं लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं EWS से लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं UR से भी नहीं लगेगा। तो सिंपली आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसका नंबर वगैरह डाल दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लग रहा है तो डालिए। उसके बाद जेंडर बताना होगा, आप मेल है फीमेल है। और उसके बाद देख सकते हैं 3 ईयर का यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स किए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको नो जॉब ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। सिंपली इसका देख सकते हैं एम्प्लॉई बताना होगा, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं नंबर वगैरह NOC वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, इश्यू अथॉरिटी बता सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एक सर्विस मैन है यस, नहीं तो सिंपली नो। फ्रीडम फाइटर यस, नहीं तो सिंपली नो। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना, अगर डे मंथ ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों तो सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा, सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिए, दोबारा कंफर्म कीजिए, ईमेल आईडी दोबारा यहाँ पे कंफर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर का कोर्स सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, देख सकते हैं।
अगर आप कोर्स किए हैं इससे रिलेटेड तो सिंपली आपको यस करना होगा और उससे रिलेटेड जानकारी देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशू, यहाँ पे डेट अथॉरिटी तो सिंपली बताना होगा। नहीं यहाँ पे किए तो नो कर दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप स्पोर्ट एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्पोर्ट एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट है यस, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट के लिए आवेदन करें उस पर क्वालिफिकेशन का आप एलिजिबल है तो यहाँ पे यस करना होगा दोस्तों। सिंपली एलिजिबल है तभी तो आवेदन कर रहे हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे यस कर देना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यस कीजिए, उसके बाद इस बॉक्स पर टिक कर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने सभी डिटेल यहाँ पे शो की जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आईडी और पासपोर्ट यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट ऊपर दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर गो टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लॉगिन भी हो सकते हैं, नहीं तो सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं कोरेस्पोंडेंट एड्रेस का जानकारी देना होगा, तो सिंपली लाइन वन और लाइन टू को मिलाकर फुल कोरेस्पोंडेंट एड्रेस का आप जानकारी दे सकते हैं। स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, कंट्री वगैरह सेलेक्ट करिए। परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो एक सेम एज का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर सेम फिल कर सकते हैं दोस्तों, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आधार कार्ड या पैन कार्ड, और जो सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, आपके बॉडी में कार्ड या तिल वगैरह मार्क का निशान है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप क्रिमिनल वगैरह है आपके ऊपर FI वगैरह हुआ तो यस करें, नहीं तो सिंपली दोनों को नो ही रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपके सामने यहाँ पे मैट्रिक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, सिंपली किस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। सिंपली मैट्रिक पास बता दीजिए यहाँ पे, किस भी स्कूल से किए हैं, उसके बाद किस बोर्ड से किए हैं, जिस भी बोर्ड से किए हैं यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा, किस वर्ष आप पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्क सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज या CGPA है तो जो सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आगे ऑप्शन खुलेगा। परसेंटेज बताइए, ऑब्टेंड मार्क, टोटल मार्क आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिवीजन बताना होगा दोस्तों, अगर आप CGPA सेलेक्ट करते हैं तो आपको CGPA में ही नंबर देना होगा, तो सिंपली डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर है तो साइज के अनुसार यहाँ पे 50 से लेकर 100 KB के बीच साइज होनी चाहिए फोटो को, और सिग्नेचर का 10 से लेकर 20 KB के बीच JPG फॉर्मेट में टू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरें, कुछ गलत लगता है तो बैक जाकर यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, नहीं तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस बॉक्स पर टिक कर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, तो आप जिस भी माध्यम के सहारा लेकर आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं दोस्तों, आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल नहीं, आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसे निकालकर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।